गाइस वेलकम बैक टू चैनल। एक बार फिर से आपका दोस्त अतुल आपके साथ और आई होप सभी अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 7:30। और जैसा कि मैंने आपको बोला था पिछला वीडियो में, पटना मेट्रो का वीडियो में, कि इधर का अपडेट दिए थे, लेकिन अगला वीडियो जो रहेगा वो कैमनी चक का रहेगा और भूतनाथ साइड का रहेगा। तो चलिए उधर चलते हैं और आज आपको उधर का अपडेट देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 10K करवाइए, क्योंकि 9K ऑलरेडी हो चुका है भाई साहब, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो 10K करवाइए। चलिए चलते हैं आप कैमनी चक की तरफ और उधर दिखाते हैं पटना मेट्रो का क्या प्रोग्रेस है। हाँ, एक भाई जगनपुरा से थे, उन्होंने कमेंट किया था कि भाई यार जगनपुरा में काम जो है वो पटना मेट्रो का कब स्टार्ट होगा। तो देखिए भाई साहब, कृष्णा नगर से जो मेट्रो बनते आ रहा है वो चांगर तक आ चुका है, और इधर देखिए इधर भी पटना मेट्रो का काम के लिए आपको थोड़ा भड़ाई वड़ाई किया गया है, मिट्टी विट्टी, ताकि इसमें पिलर जो है वो बन सके। तो आप देख सकते हैं भाई जगनपुरा से जो भी कमेंट किए थे उनके लिए खुशखबरी है कि इधर भी पिलरिंग का काम बस कुछ दिन में स्टार्ट होगा। और एक बात आपको बता देते हैं, पिलर इधर से आएगा फिर यहाँ के बाद पिलर जो है वो उस तरफ हो जाएगा। हाँ सही समझे आप, पिलर यहाँ से फिर वो डाइवर्सन ले लेगा, रोड के उस तरफ चला जाएगा, यानी कि राइट साइड की तरफ चला जाएगा। तो पटना मेट्रो का बाईपास पे दो जगह जो है वो राइट साइड का मतलब हो जाएगा, मतलब कि बाईपास क्रॉस कर लेगा। एक यहाँ पे मिठापुर बस स्टैंड से बनते हुए आएगा तो जगनपुरा के पास वो राइट साइड में चला जाएगा, और फिर राइट साइड में खेमनी चक से आगे बढ़ेंगे ज्ञान गंगा बिल्डिंग के पास, तो वहाँ से फिर लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो पटना मेट्रो कुछ यहाँ से यूँ रहेगा, फिर वहाँ से जाके ऐसे यूँ रहेगा। तो दो बार जो है वो बाईपास क्रॉस करने को देखने को मिलेगा, और एक और बाईपास क्रॉस करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। वो पता है कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा मलाही पकड़ी मेट्रो वाला। मलाही पकड़ी मेट्रो जो बन के आएगा, जो बनते हुए आ रहा है, वो भी 90 फीट के पास क्रॉस करके खेमनी चक के पैरेलल में जाके, खेमनी चक में जाके वो मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है वो होने वाला है आपका पूरा रूट। और देखिए मेरे दाएं साइड पटना मेट्रो का बोर्ड भी लगा दिया गया है, तो जगनपुरा से जो लोग भी हैं उनके लिए खुशखबरी है कि जगनपुरा में भी काम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। दाएं साइड में देखिए पटना मेट्रो का पूरा बोर्ड जो है वो लगाया हुआ है। देखिए खेमनी चक के पास आप मेरे दाएं ओर देख सकते हैं कि पटना मेट्रो का जो पिलर है वो आपका तना दन जो है वो आपको दिख रहा होगा बना हुआ, क्योंकि भाई साहब काम जो है वो काफ़ी स्पीड में किया जा रहा है। और ये पिलर नंबर है आपका 47, और इसी तरीके से होते हुए आपका मिठापुर बस स्टैंड तक जाएगा, और इधर आपका इधर मलाही पकड़ी मेला में भी यही रूट जो है वो घुसेगा। तो देखिए कि खेमनी चक में जो पिलर का काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, खेमनी चक से लेके 90 फीट के कॉर्नर तक जो है वो पिलर का काम कंप्लीट है। और इधर रोड की भी चौड़ाई थोड़ी बढ़ा दी गई, आप देख सकते हैं इधर रोड यहीं तक था लेकिन इसको पूरा चौड़ा कर दिया गया है, और पीछे भी जो है वो चौड़ा किया गया था। और इधर आपका पिलर नहीं बनेगा, पिलर राइट साइड में है सर्विस रोड में। तो देखिए कि खेमनी चक के पास से अपडेट आपको दे रहे हैं, और काफ़ी भयंकर वाला पिलर जो है वो बन के रेडी है। पियर कैपिंग भी हो चुका है इसमें, सॉरी पियर कैपिंग का काम बचा हुआ नहीं है, पियर कैपिंग का भी काम जो हो चुका है। ये खेमनी चक मोड़ है, और खेमनी चक मोड़ से आगे बढ़िएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ पिलर बना हुआ दिखेगा। तो खेमनी चक मोड़ से आगे बढ़िएगा इधर स्पॉट हॉस्पिटल के तरफ, तो आपको देखिए कि इधर 3-4 पिलर जो है वो खड़ा वाला दिख रहा है, इससे पियर कैपिंग का काम जो है वो फिलहाल नहीं किया गया। और इसके बाद स्पॉट हॉस्पिटल के पास से जो है वो भाई साहब आपका स्टेशन वाला पिलर जो है वो बनाया जा रहा है। देखिए स्टेशन वाला पिलर जो होता है वो आपका स्क्वायर शेप में होता है, तो उसका भी काम जोर शोर से है। तो अभी वो क्लिप आप देखिए कि स्टेशन वाला पिलर किस तरीके से होता है। तो देखिए इधर से दिखाते हैं स्टेशन वाला पिलर का काम, कि क्या कुछ स्टेशन वाले पिलर में जो खेमनी चक के पास काम किया है। देखिए सुबह का समय, इसलिए लोग अपने अपने काम पर जो है वो जा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए ये सब सारा स्टेशन वाला पिलर है भाई साहब, और स्टेशन वाला पिलर जो है वो बनाने की तैयारी चल रही है। और ये जितना पिलर देख रहे हैं पोर्ट हॉस्पिटल के पास स्क्वायर शेप का पिलर, तो सारा स्टेशन वाला पिलर है, सारा स्टेशन वाला पिलर है। की बात करें रोड की चौड़ाई करने की, तो देखिए रोड को चौड़ा किया जा रहा है, और इधर भी पटना मेट्रो का बोर्ड लगा के ही चौड़ा किया जा रहा है, लेकिन इधर पटना मेट्रो का कोई काम नहीं होगा। पटना मेट्रो का कोई पिलर इस साइड नहीं रहेगा, जो भी रहेगा दाएँ साइड रहेगा। देखिए वहाँ तक जो है पिलर आपका बना हुआ है, और वहाँ से आगे जब ज्ञान गंगा बिल्डिंग आएगा और उसके आगे जब आप पढ़िएगा, तो वहाँ से पटना मेट्रो जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड आ जाएगा, बाईपास को क्रॉस कर जाएगा भाई साहब। जी हाँ, बाईपास को क्रॉस कर जाएगा। तो ये है आपका ज्ञान गंगा वाला बिल्डिंग, पतंजलि वाला बिल्डिंग, और इसके आगे जब आप लोग पढ़िएगा तो आपको पटना मेट्रो एक बार फिर से राइट साइड से लेफ्ट साइड में नज़र आने वाला है। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर लास्ट पिलर का काम किया जा रहा है, अभी आपको दिखाते हैं।
मेरे राइट साइड आपको दिखेगा वहाँ पे लास्ट पिलर का काम चल रहा है, जहाँ पे फील्डिंग मशीन और सरिया को डाला जा रहा है वो लास्ट पिलर का काम वहाँ पे किया जा रहा है। और उसके बाद पटना मेट्रो जो है वो इस साइड आ जाएगी। देखिए उसके बाद पटना मेट्रो मेरे बाएँ साइड में आपका पिलर जो है वो बनना शुरू कर दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से आपका रूट है, उस साइड से इस साइड आ जाएगा। ज्ञान गंगा बिल्डिंग के पास जब आप आइएगा तो आपको पटना मेट्रो राइट साइड से लेफ्ट साइड में नज़र आने लगेगा। जिस प्रकार से अभी आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में नज़र आने लगा, देख रहे हैं। और कई कई जगह पर स्टेशनों बनाने का भी काम जो है वो काफ़ी ज़ोर शोर से किया जा रहा है, क्योंकि स्टेशन जो है वो मस्ट है। और यहाँ से तो भाई मलाई पकड़े तक एक रूट जो है वो रहना ही है। पहला कॉरिडोर जो बन के रेडी होगा वो वही वाला होगा। और यहाँ पर बड़ा बड़ा मशीन लगा होगा, फील्डिंग मशीन, गद्दा वाला मशीन, हैंगिंग मशीन, सब मशीन को लगाया गया है, क्योंकि आने वाले अगले साल आपका जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा, बन के तैयार कर दिया जाएगा। फिलहाल पहुंच के भूतनाथ में, और देखिए कि भूतनाथ के स्टेशन का भी काम जो है वो जोर शोर से किया जा रहा है। सारा पिलर वाला जो है वो काम हो चुका है। पिलर जो स्टेशन का था उसको प्लास्टर भी कर दिया गया भाई साहब, देख रहे हैं, पिलर वाला स्टेशन वाला पिलर को प्लास्टर कर दिया गया, क्योंकि एकदम प्लेन लग रहा है। ये नया अपडेट निकल के आया है, प्लास्टर हो चुका है। और भूतनाथ में जो है गटर रखने का काम कंप्लीट कर दिया गया है। भूतनाथ में गटर वाला काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आपको मैं अभी गिन के बताता हूँ कितना गटर रखाया है। 1, 2, 3, 4 ये लोग रॉन्ग साइड में आ जाते हैं ना, गजब करते हैं यार। 4 के बाद ये हो गया 2, 6 आई 2, 8 आठ आ 2, 10 दस 12 तो 14 14 के बाद 2, 16 2, 18 2, 20 2, 22 22 के बाद 2, 24 2, 26 2, 28 2, 30 30 के बाद 32 34 मतलब ये ऑलमोस्ट 40 गटर जो है वो रखा चुका है, एकदम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। भूतनाथ की तरफ जो है वो मेट्रो गटर का काम खत्म हो गया है, अब गटर रखने का काम जो है वो बढ़ा दिया गया है 0 माइल के साइड और 0 माइल के तरफ। यहाँ पे गटर रखने का काम भूतनाथ में ख़त्म हो गया और अब गटर रखने का काम जो है वो आपका 0 माइल की तरफ बढ़ाया गया है। 0 माइल की तरफ आप गटर रखने का काम जो है वो किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक पिलर पे गैप आपको दिख रहा होगा, यहीं तक पहले काम हुआ था, उसके बाद ये वाला गैप हो गया और उसके बाद फिर से गटर का काम जो है वो आपका चालू कर दिया गया है। लेटेस्ट अपडेट यही निकल के आ रहा है कि गटर रखने का काम काफ़ी स्पीड से किया जा रहा है और 0 माइल के साइड अब गटर रखने का काम को बढ़ाया गया। देखिए थोड़ा इस साइड से भी व्यू देख लीजिए आप लोग के पटना मेट्रो के भूतनाथ में क्या कुछ व्यू निकल के आ रहा है। देखिए भाई साहब क्या जबरदस्त लग रहा है भाई साहब देखने में, और जब पटना मेट्रो इस पे दौड़ेगी तो भाई साहब क्या लुक आएगा। हालांकि यहाँ पे एक बीच में गटर का काम छोड़ दिया गया है, पता नहीं क्यों छोड़ा गया, शायद पेट्रोल पंप जाने का रास्ता हो इसलिए छोड़ दिया गया, लेकिन पता नहीं क्यों छोड़ा गया, उसको भी कंप्लीट कर देता तो और अच्छा लगता है। बीच में खाली छोड़ दिया तो उससे थोड़ा अजीब लगता है देखने में। और देखिए कि क्या कुछ लुक जो है वो आपका निकल के आ रहा है। देखिए अब आप आगे बढ़ेंगे जब 0 माइल की तरफ से, यहाँ पे एक आपको अद्भुत वाला पिलर दिखेगा, अजब शेप का पिलर दिखेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, जो हमको भी समझ में नहीं आता, लेकिन भैया जी बताए थे कि वो आखिर क्यों है इस तरीके का पिलर, तो आपको वो पिलर पहले दिखाते हैं। ये जो आप पिलर देख रहे हैं, ये वाला पिलर कुछ ऐसे सांप वाला शेप में पिलर जो बनाया हुआ है, वो पता है किस लिए बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से पिलर जो देखिए आप और अंदर हो गया, मतलब कि टेढ़ा हो गया है ये पिलर, आपको दिखाते हैं वीडियो में। तो देखिए कि ये सामने से जो पिलर बनते हुए आ रहा है और यहाँ पे आके पिलर जो है वो और अंदर हो गया डीप, ये वाला पिलर देखिए डीप है और ये देखिए ये मेरे सामने है, तो इसीलिए ये जो आप स्नेक शेप में जो देख रहे हैं फ्लाई पिलर, वो इसीलिए बनाया गया था ताकि वो पटना मेट्रो के पिलर को थोड़ा टान सके और थोड़ा हैंग करके उसको मोड़ सके, क्योंकि यहाँ पे एक मोड़ जैसा रहेगा, मतलब कि ऐसे टर्निंग जैसा रहेगा पटना मेट्रो का पिलर जो है वो। तो कुछ यही अपडेट अभी निकल के आ रहा है पटना मेट्रो के अपडेट से, गटर रखने का काम कंप्लीट कर लिया गया है भूतनाथ की तरफ और 0 माइल की तरफ गटर रखने का काम काफ़ी भयानक रूप से जो है वो किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।